हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑनलाइन मार्केटिंग का काम। कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, या कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का काम जानते हैं, या कोई भी जो ऑनलाइन जो भी काम होते हैं वो कुछ लोग जो हम पे एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कि ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कैसे की जाती है, और ऑनलाइन अर्निंग करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उन और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन रियल हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जो मैक्सिमम फेक होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं, तो हम आपस में ये डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे आप सब लोगों को कि ये जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको कौन सा प्लेटफॉर्म सही तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। तो हम अपना एक्सपीरियंस जो पिछले हम 5-6 सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम यही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है किसी भी ऑनलाइन काम को मैनेज करने में। पाँच छः सालों से तो हम इंटरनेट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को भी सर्विस देते हैं। जी जी, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो अभी हमारा जो मेन मुद्दा है कि मान लीजिए कोई फ्रेशर है, कोई स्टूडेंट है, तो वो अगर ऑनलाइन कुछ काम अगर शुरू करना चाहता है तो वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपने आप को अपनी कैरियर को पोस्ट कर सकता है। जी जी। तो हमारा जो टॉपिक था वो था कि गूगल एडसेंस। ये गूगल एडसेंस जो है, ये जहां तक मैं फॉलो कर पाया हूँ, गूगल एडसेंस, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये रिस्की काम है, परंतु मेरा अनुभव कहता है कि ये रिस्की काम नहीं है। रिस्की काम क्यों नहीं है, इसके रीजन है, आप भी काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम, तो आपने भी देखा है कि किस तरह से गूगल एडसेंस से जो है वो इनकम जनरेट होती है। तो अगर हमने वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट के लिए हम अपना क्या हार्ड वर्क करते हैं, ये सारी बातें इसमें मैटर करती हैं। पर गूगल एडसेंस जो है वो रिस्की तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं मान सकता रिस्की है। क्यों नहीं मान सकता? मान लीजिए मैं आपको देसी भाषा में एक बात समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहां से 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। अब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है, बाइक से और बस से जाना तो आसान है, लेकिन पैदल जाना 10 किलोमीटर वो एक अलग बात है। तो गूगल एडसेंस है, जितना समय आपको 10 किलोमीटर जाने में, पैदल जाने में समय लगेगा, वही गूगल एडसेंस है। कुल मिला के ये डिसीजन यहाँ पे निकल रहा है कि गूगल जो है वो, अपने आम भाषा में बोला जाए तो, जिस इंसान को गूगल एडसेंस के साथ अच्छे से काम करना है, हाँ, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको अंदर सबर होना चाहिए, सबर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी अगर आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी रूल एंड रेगुलेशन होगी गूगल जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज गूगल जो है वो गूगल के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। हमने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस देख चुके हैं गूगल एडसेंस के साथ। तो कुल मिला के हम यही, इसी टॉपिक पे हम अभी डिस्कस करेंगे फुल टाइम कि गूगल एडसेंस से जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज भी होते रहते हैं। तो आज तक जो गूगल एडसेंस के अकाउंट को जो किस तरह से संभालना है, तो बहुत सारे ऐसे, मतलब मैंने देखा है जो गूगल एडसेंस का फॉर्म होता है वहाँ पे, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों से मैं उसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल जो है वो फर्स्ट पे आउट जो है वो $100 का करता है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी का $94.50 का उनका अमाउंट गूगल एडसेंस में उन्होंने अर्न कर लिया है, तो क्या होता है जो हमारा करंट बैलेंस होता है उसके नीचे माइनस $94.50, तो ये जो माइनस का जो चिन्ह है वो हमारे करंट बैलेंस के साथ लग जाता है। तो ये क्या इशू है, ये इशू कैसे बनता है?
यह इशू जो है ये इसके बनने का कोई एक रीजन नहीं है, आप इसके लिए गूगल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। गूगल को जिम्मेवार आप क्यों नहीं ठहरा सकते? बिकॉज गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों से भी बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति रखने वाले लोग हैं जो वहां पे बैठकर काम कर रहे हैं। और जो जिस वेबसाइट या ब्लॉग पे हम गूगल की एडसेंस लगाते हैं, ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गूगल को पता नहीं चलता है। गूगल के वहाँ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन ऑनलाइन बैठे होते हैं जो उनको पूरा पता होता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हुए हैं उनको पूरा पता होता है, पूरा एनालाइज करते हैं। अप्रूवल भी ऐसे नहीं है गूगल एडसेंस का मिलता है, पहले तो वो आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है कुछ भी है तो उसका पूरा एनालाइजेशन करते हैं, उसकी टीमें बैठी होती हैं वहाँ पे, जो पूरी एनालाइजेशन करने के बाद ही उसको अप्रूवल या डिसअप्रूव किया जाता है। अगर गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपके अगर ब्लॉग या वेबसाइट में अगर गलत एक्टिविटी पाई जाती है तो अकाउंट ब्लॉक होने की संभावना भी होती है या डिसेबल भी हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, अभी आपने बात की कि गलत एक्टिविटी की, तो गलत एक्टिविटी का मीनिंग यह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक आपके पास अगर कोई नया आपने डोमेन परचेज किया है तो उसमें कम से कम 30 आर्टिकल आप ऐसे रखें विद इमेजेस, और इमेजेस ट्राई करें कि आपके पास फ्रेश हो, जो कहीं दूसरी वेबसाइट के ऊपर यूज ना हुई हो, या फिर अगर आप गूगल से कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका साइज थोड़ा बहुत छोटा कर दें, या उसके ऊपर कोई टैगलाइन ले लें अपनी या वेबसाइट का नाम दे दें, तो इस तरह से कोई एक्टिविटी कर लें। या फिर आजकल लोगों के पास अच्छे अच्छे मोबाइल कैम हैं, अगर वो अपने किसी लोकल एरिया के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो वहां से उसका पिक्चर जो है वो शूट कर सकते हैं, तो उसको गूगल के ऊपर लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने का कौन सा समय सबसे अच्छा है ये मायने रखता है। लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का डोमेन खरीदा और फटाफट उसमें 4, 5, 6, 10 आर्टिकल डाले और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। वो समझते हैं कि गूगल एडसेंस का हमें अप्रूवल मिल जाएगा, बट इज दैट नॉट पॉसिबल एट अ मोमेंट। उसके लिए आपको कम से कम 30-35 आर्टिकल अच्छे रखने पड़ेंगे और आपकी वेबसाइट में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये दो पेज होने बहुत जरूरी हैं। और आपकी वेबसाइट का एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बोतल बनाने की फैक्ट्री के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये बोतल इस तरह से बनाती है, ये कैनोन का कैमरा है, ये इस कैमरे के अंदर ये चीजें डलती हैं, तो एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं कि आप हर कुछ लिखते हो उसमें, वो यूज भी नहीं हो रही है चीज। अब जो यूजर आपके आर्टिकल को पढ़ेगा वो तो उसको नकार देगा जब उसके अंदर को उसको कोई अपनी मतलब की चीज नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसे जब आप 30-32 आर्टिकल जब आप रखें अपने साइट के ऊपर, आफ्टर दैट आप उसको अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद एक साल तक आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक जो है वेबसाइट के अंदर मत लगाएं। सिर्फ दो चीजें याद रखें, एक कंटेंट आपका जो आपने लिखा है, कंटेंट भी कम से कम आपका 1000 वर्ड का होना चाहिए, 1000, 1200 या 2000 वर्ड का, मतलब जितने वर्ड्स में आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लोज हो रहा है उतने टॉपिक उसके अंदर उसने वर्ड्स आप उसने उसके उसके अंदर रखो। और कंटेंट हो गया, दूसरा हो गया एड, गूगल एडसेंस का एड। दो चीजों के अलावा कोई भी तीसरी चीज आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू उसको एक साल तक चलाइए आप, और धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। वो एक आपने वो कहानी सुनी होगी कछुए की और खरगोश की, हैं? खरगोश बहुत तेज भागता है, ठीक है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो जब वो आपस में दौड़ रहे थे तो कछुआ बड़े धीरे धीरे चला था और वो बेचारा जो था खरगोश जो था वो बहुत आगे भाग गया, और जब वो आगे भाग गया और जब वो थक गया तो थकने के बाद वो सो गया। अब कछुआ आया पीछे से, धीरे धीरे चला हुआ था, उसने देखा ये तो सोया हुआ है, तो वो उससे आगे निकल गया। अच्छा, जब खरगोश उठा तो खरगोश ने देखा यार कछुआ अभी तक भी नहीं आया, खरगोश तो सोया हुआ था क्योंकि कछुआ तो उससे भी आगे निकल गया, तो खरगोश यही सोचता रह गया कि अभी मैं सो लेता हूँ, कछुआ भी आएगा। लेकिन कछुआ जो था वो काफी आगे जा चुका था। तो मैं सबसे पहले यही अपने
वीडियो वॉचर्स को यही मैं एडवाइस करना चाहूंगा, गूगल एडसेंस वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर धैर्य है, सब्र है, वही लोग गूगल एडसेंस को कर सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति आज तक गूगल एडसेंस ना कर पाया है ना कर सकेगा। काफी सारे जो पर्सन है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काफी पुरानी पुरानी वेबसाइट होती है, चार चार पांच पांच साल उन्होंने धैर्य किया है सब्र किया। लेकिन वो भी क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है काफी एडसेंस पॉलिसी या कोई भी वहाँ पे लिखा है, तो वो बोलते हैं कि उनके कमेंट आते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो काफ़ी सालों से रनिंग में हैं और गूगल एडसेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हैं वो बीच में हो जाती हैं जिसको गूगल मतलब बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करता और लास्ट में आपका जो अमाउंट है तो फिर वो माइनस में जाएगा या तो फिर गूगल का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, ये क्या रीजन है, या जो आपका जो वेबसाइट के ऊपर जो क्लिकिंग हो रहा है एडसेंस के जो एड्स लगी हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, तो जो वो ट्रैफिक है वो इनवैलिड माना जाएगा। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, जो अभी आपने इनवैलिड ट्रैफिक की बात की है, मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो आजकल प्रचलन चला हुआ है कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसको आप जल्दी जल्दी सोशल शेयरिंग करो उसकी जी। तो जैसे मान लिया हमने कोई आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला उसको, और नीचे हमारे कुछ प्लगइन लगे होते हैं फेसबुक के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, गूगल प्लस के, ठीक है, रेडिट के, तो हम क्या करते हैं पर डे उसको 10 times, 20 times उसको शेयर करते रहते हैं। अब ये जो अब आपको पता है कि फेसबुक, ये दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आप मेरी बात ये नोट कर लें, अगर आप गूगल एडसेंस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत, ये वीडियो आपके लिए इतना परफेक्ट हो सकता है कि ये वीडियो आपके गूगल एडसेंस की जो थिंग है आपकी उसको टोटली चेंज कर देगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुने, देखें और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं उसको बहुत टाइम मतलब 3-4 times, 10 times, 15 times उसको सोशल शेयर के साथ जो है उसको अपने आर्टिकल को लिंक कर देते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे ज्यादा जो आज यूजर बैठे हैं वो है फेसबुक के ऊपर जी। और दोस्तों आपको भी पता है, आपको भी पता है कि फेसबुक का जो यूजर है वो 90% मोबाइल के ऊपर बैठा है जी। अब गूगल एक टाइम था जब गूगल एडसेंस आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो मोस्टली जो था 90% जो था वो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप हम अपने घर पे लगाते हैं वो यूज होता था, लेकिन आज 90% वाली जो जगह है वो ले ली है मोबाइल ने, एंड्रॉयड फोन ने। अब गूगल के पास भी एक प्रॉपर्टी है उसकी अपनी जी। अगर गूगल में कोई दूसरे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तो गूगल हमें भी कुछ परसेंटेज उसमें से अर्निंग करके देता है जी। तो गूगल को ये भी देखना है ना कि अब मान लीजिए पर डे की 10-20 साइटें अगर गूगल के पास अप्रूवल के लिए जाती हैं एडसेंस के लिए तो उसे भी तो अपनी प्रॉपर्टी सेव करनी है ना जी। उसे भी अपनी प्रॉपर्टी सेव करनी है जी। कल को अगर मैं पैसा कमाता हूँ आप पैसा कमाते हैं तो आप भी तो कुछ ना कुछ सेव करोगे उससे, ऐसा तो है नहीं कि जो आपके पास आएगा उसको खर्च कर देंगे वो है। तो उसमें क्या होता है ये जो हम डेली की सोशल शेयरिंग करते हैं ये हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ दो चीजों के ऊपर होना चाहिए, नंबर एक एडसेंस को आप पार्ट टाइम ले लो, फुल टाइम आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास अदर इनकम सोर्स है जहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है जी। उस कंडीशन पे फिर आप जो है वो पर डे के 2 articles लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, आपकी वेबसाइट स्टेबल नहीं होनी चाहिए कि आज आपने आर्टिकल लिखा तो महीने बाद आप लिख रहे हैं, उसमें आपकी डे बाय डे कंटेंट डेली का एक आर्टिकल जो है वो कंपेटिबल है होना चाहिए। हाँ कंपेटिबल है तो उस तरह से आप लिखते जाएं और एक उसमें गूगल एडसेंस का एड लगाएं, एक आपका हेडर में आ जाएगा ऊपर और एक साइड बार में और एक कंटेंट में, तो 3 ads जो है वो पर पेज वैलिड होती है। यही आप मेथड पकड़ो, पूरा साल करो आप और देखो आप 1 साल के बाद आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। टॉपिक पकड़ो एक, चाहे टेक्नोलॉजी ले लो आप, हेल्थ के ऊपर लिखो फिर। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया मैंने हेल्थ के ऊपर वेट लॉस में कोई आर्टिकल लिखा, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो फटाफट क्या करते हैं
गूगल एडवर्ड्स पे जाते हैं और कीवर्ड प्लानर निकाल देते हैं, फटाफट वहां पे वेट लॉस कीवर्ड को सर्च करेंगे और जितने वहां पे लो कास्ट के जो कीवर्ड्स होंगे उनको उठाएंगे और साइट में डाल देंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये मेरा अनुभव है। हम आज फुल टाइम गूगल एडसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और ये मेरा अनुभव है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप आर्टिकल लिखो वेट लॉस के ऊपर, आप अपनी अपने दिमाग से लिखो जो आपको लगता है कि वेट लॉस करने का क्या तरीका हो सकता है। मान लीजिए आप किसी बिजनेस को ही प्रमोट कर, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो वेट लॉस का है, जी, तो आप उसके बारे में लिखो, अपनी राइटिंग में जो लिखना है वो लिखो, वो लिखो, उसमें आप 1000 वर्ड लिखो, 1200 लिखो, 1500 लिखो, 2000 लिखो, ये तो यूजर के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड करता है कि वो कितना लिख पाता है उस पे। हाँ, कब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप लिखे उसके ऊपर, बेनिफिट दो, आप किसी चीज की एडवांटेज दो, डिसएडवांटेज दो, यूज करने के तरीके दो, बहुत चीजें ऐसी मैटर होती है। और एक आर्टिकल में मिनिमम 500 वर्ड तो आपको ऐड करने पड़ेगा, आगे लिमिट आगे आपकी है जो आप लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि 500 का जो वर्ड का जो आर्टिकल होगा वही गूगल में कैश होगा, गूगल उसी को प्रायोरिटी देता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया, तो दोस्तों उसके बाद क्या करो, आप उस आर्टिकल को अपने सामने रखो। अब वहां से आप मान लीजिए कोई अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे वर्ड्स आपके आपको वहां से दिख रहे हैं, जैसे वेट लॉस, हाउ टू लूज माय वेट, तो ये एक मतलब सेंटेंस जो है बन गया, तो ये कीवर्ड ही बन सकता है, कीवर्ड हो गया जो गूगल पे सर्च होता है या कहीं भी सर्च इंजन, गूगल पे बहुत सारे लोग ऐसे सर्च करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने उस आर्टिकल में बनेंगे। कितने बनते हैं आपके पास, 10 बनते हैं, 20 बनते हैं, 50 बनते हैं, जितने भी आपके पास कीवर्ड बनते हैं सभी को आप टैग्स में डालो और 5 से 6 कीवर्ड आप एसईओ के लिए अपने नीचे जो कीवर्ड्स का होता है उसमें रखो। डिस्क्रिप्शन में 160 कैरेक्टर रखने होते हैं, उससे ऊपर नहीं, और एक टाइटल होना चाहिए आपके पास 60 कैरेक्टर का। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और जो ये जो हम डेली जो शेयरिंग करते हैं इसको अवॉइड करना पड़ेगा। काफी सारे हमारे फ्रेंड्स भी का जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे या कहीं ब्लॉग पे, तो वो भी ऐसा सोचते होंगे या करते होंगे, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल डाल देने, एडसेंस की ऐड लगा देनी, उसके बाद ट्रैफिक जनरेट करने के लिए वो कहीं शेयर कर रहे हैं, वो गलत है ना, गूगल उस चीज को मानते नहीं है, वो स्पैमिंग में काउंट हो जा रहा है, वो स्पैमिंग काउंट होगा। और जो इनवैलिड क्लिक्स आते हैं वो मोबाइल से ही आते हैं, क्योंकि हम था मतलब जो कहते हैं कि अनलिमिटेड शेयरिंग जो है हम सोशल साइट्स के ऊपर कर रहे हैं, और सोशल साइट्स के लिए आजकल एंड्रॉयड फोन चले हुए हैं जो आजकल हर बंदे की जेब में पड़ा हुआ है, तो वहां से वो कोई व्हाट्सएप के ऊपर, कोई फेसबुक के ऊपर, अब एड्स जो है गूगल एडसेंस की जो एड्स होती है वो मोबाइल के ऊपर भी देखना शुरू हो चुकी है, लेकिन वो मोबाइल के ऊपर कोई सर्च थोड़ी कर रहा है गूगल में। हाँ, उसको आपकी वेबसाइट मिली है, वो तो सोशल नेटवर्क के डायरेक्ट मतलब गूगल को ये लग रहा है, गूगल एडसेंस को ये लग रहा है कि आपने जानबूझकर किसी को मोबाइल पे लिंक भेजा है कि आप इसमें ऐड लगी है उसको क्लिक करो, और वो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो इनवैलिड क्लिक्स जो है वो प्रॉफिट जो होता है वो और उस अकाउंट को ब्लॉक होने का खतरा, ब्लॉक होने का पूरा खतरा होता है, और आपको उसके लिए कोई मेल भी नहीं आएगी कि हाँ आपको कोई मेल आएगा, कोई नोटिफाई नहीं किया जाएगा आपको कि आपका अकाउंट जो ब्लॉक क्यों किया गया या डिसेबल क्यों किया गया, क्योंकि कोई ना कोई रीजन है जो आप में ही कमी है आपके ब्लॉग में, आपके काम करने के तरीके में ही, जो हमने पूरी यहाँ पे बता दी आपको। एक चीज और भी है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई साइट बनाई, आपको पता है कि हाँ यार मेरा फ्रेंड तो यार गूगल एडसेंस के ऊपर काम कर रहा है, आपको पता है, आपने वैसी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन आप आज इस हमारी इस वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ कंपेयर करके देख लें आप, यहां पर आपको बात मिलेगी सिर्फ जो हमने अभी तक सीखा है, यहां से वही बात आपको बता रहे हैं। तो ऐसा ना करें कि आपने वेबसाइट का डोमेन खरीदा, उसमें 5-10 आपने आर्टिकल डाले और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए आप 10-15 आर्टिकल आपने वेबसाइट के अंदर डाले और आपने गूगल एडसेंस ने ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हार्ड है टर्म एंड कंडीशंस, बहुत हार्ड है जो वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऐसा कोई भी आप अपना ओनर लें। और गूगल एडसेंस का एक और मैं सबसे ही परफेक्ट आपको तरीका बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास वेबसाइट है जो 1 साल पहले आपने खरीदी थी और उसके ऊपर आपने 100, 150, 200 आर्टिकल उसके ऊपर हैं, और
उसके ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं, और अगर आप एक साल के बाद गूगल के लिए अप्लाई करोगे तो 101% श्योर है कि ऊपर बुलेट टाइम मिलेगा, एट अ टाइम मिलेगा विद इन 3-4 डेज में। सबसे ही बेस्ट तरीका है, आप आज मत करो शुरू, आज आप वेबसाइट खरीदो, धीरे धीरे उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपने उसको परचेज किया है डोमेन को, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, कोई सोशल एक्टिविटी है, कुछ भी है चाहे, तो उसके ऊपर आप लिखो धीरे धीरे, एक साल तक उसको बनाओ, उसकी डोमेन की इमेज बनाओ, ताकि जितना वो पुराना होगा डोमेन गूगल, फिर आप उसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करके देखो, फिर देखो आपका गूगल एडसेंस का जो काम है वो इतना परफेक्ट चलेगा कि आप पूछो मत। ये और कुल मिला के यही नतीजे यहाँ पे निकलते हैं कि जो गूगल एडसेंस का अगर आप के साथ आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपकी जो ब्लॉग है या कोई भी वेबसाइट है या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है वो बहुत पुराना होना चाहिए, आपका डोमेन बहुत पुराना होना चाहिए, और बहुत पुराने का मतलब है भाई साल 6 महीना जी, मैक्सिमम साल रखो, साल तो मतलब आप अप्लाई मत करो, अपने जो ब्लॉग या वेबसाइट को प्रमोट करो अच्छे से, अच्छा उसको इमेज दो, और उसमें कंटेंट रिच वेबसाइट होना चाहिए, इसका मतलब है इसमें कंटेंट अच्छे मात्रा में होना चाहिए और राइट वे में आपका कंटेंट लिखा होना चाहिए, विद एन अच्छे राइट टू द टॉपिक, अच्छे अच्छे कीवर्ड होने चाहिए, अच्छे अच्छे आर्टिकल होने चाहिए उसमें, और 500 वर्ड से ही ऊपर आर्टिकल रखें, इससे मिनिमम आर्टिकल का कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती वो गूगल से, और जो आपके कीवर्ड हैं वो राइट वे में राइट होने चाहिए, जो टारगेटेड कीवर्ड आर्टिकल में से निकालते हैं आप लोग वो राइट होने चाहिए, और लॉट ऑफ ट्रैफिक होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स को, कि मान लीजिए आपने प्लस टू किया है और आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम था, और उसके बाद आप कोई इंटरनेट मार्केटिंग पे अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो गूगल एडसेंस आपके लिए बहुत परफेक्ट है विदाउट एनी रिस्क। रिस्क इसलिए है जब आप इसके रूल एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, और जो इसका रिस्क इसलिए नहीं है, जो लोग इसका रूल्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। मुझे एक साल हो गया काम करते हुए, आपको भी तकरीबन एक साल हो चुका है, तो बताइए कोई रिस्क लगा आपको उसमें? हमको तो कोई रिस्क नहीं लगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स से हमें पता चला, काफी सारे कमेंट्स में हमने ये देखा, तभी हमें उनको काफी सारे जो ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग में काम करते हैं, उनको बहुत रिस्क लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि शायद उनमें कोई रीजन नहीं। मैं वही बात बता रहा हूँ ना आपको, लोग क्या करते हैं, वेबसाइट खरीदा, डोमेन खरीदा, 15-20-30 आर्टिकल डाले उसमें, मान लीजिए किसी ने 40 आर्टिकल डाल दिए और उसने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया और उसको अप्रूवल वहां से मिल भी जाता है, तो बस लोग मतलब टाइम नहीं देते ना कि मैं गूगल एडसेंस को पढ़ूं कि है क्या चीज आखिरकार इसमें। तो आप बहुत अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हो, गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मुझे तो रिस्क कहीं से नहीं लगता। रिस्क इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इसके रूल्स एंड जो कंडीशंस हैं गूगल की उसको फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें इनकम जनरेट होता है। तो दोस्तों मैं तो अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी मोहित भारद्वाज जी हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसको नीचे और लाइक भी जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी खास एक्सपीरियंस के साथ, वो भी गूगल एडसेंस के साथ। जैसा कि आप सब फ्रेंड्स ने देखा कि हमने जिस टॉपिक पर बात की उसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, आप अगर काम करना चाहते हैं गूगल एडसेंस के साथ तो क्या टर्म एंड रेगुलेशन या जो भी बातें हमने यहाँ पे आपको बताई, जो किस तरह आप अपने सिक्योर होके आप उसके साथ काम कर सकते हो, तो कुल मिला के मैं यही बात आप सब फ्रेंड्स को बताऊँगा कि अगर आपने गूगल एडसेंस के साथ काम करना है तो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो राइट वे में राइट तरीके से अच्छे तरीके से उसको एनालाइज किया गया हो, कि जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल भेजते हो तो आपका जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने उस गूगल को अप्रूवल भेजा है तो पहले उनकी टीम जो है वो पूरी तरह एनालाइजेशन आपके प्लेटफॉर्म पर करती है, आपके वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो पूरी एनालाइजेशन के बाद ही भी देखते हैं कि जिस
प्लेटफॉर्म के थ्रू हमको अप्रूवल आ रहा है, क्या वो सही तरीके से राइट वे में जा रहा है, उसमें राइट कंटेंट है, राइट कीवर्ड्स हैं, या वो डोमेन कितना पुराना है, वो ब्लॉग कितना पुराना हो सकता है, या उसमें लॉट ऑफ ट्रैफिक है। ट्रैफिक को भी एनालाइजेशन किया जाता है कि ट्रैफिक कहीं सोशल से तो नहीं है ज़्यादा, या ऑर्गेनिक सोशल कितना है, डायरेक्ट सर्च कितनी है, या अदर सर्च कितनी है, पेड सर्च कितनी है। तो ये सब कुल मिला के सब कुछ देखने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा या डिसअप्रूव मिलेगा। तो लास्ट में मैं सब आप सब फ्रेंड्स को ये बोलूँगा कि अगर आपको हमारी जो बातें हैं जो हमने इस टॉपिक पे आपके बात की वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपको हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको और भी अच्छी अच्छी नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दें तो हमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो और अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में होगा तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, हम जरूर आपका आंसर कमेंट में देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।